लाल मुर्ग। लाल मुर्ग जी, ये लाल मुर्ग का मतलब होता है, मुर्ग मतलब चिकन, और ये मथानिया की मिर्च होती है लाल, उसके अंदर बनता है, और प्योर सरसों के तेल में बनता। दही कबाब है, पनीर टिक्का है, मुट्ठी का क्लासिक है, मुर्ग मलाई टिक्का है, और फिश देख सकते हैं आपको यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी मिल जाएगा दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे मेरे दोस्तों। तो फाइनली आपके बीच में नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो आज मैं आ रखा हूँ दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में, यहाँ पे लगा हुआ है फूड फेस्टिवल दोस्तों। तो आपको सारा फूड फेस्टिवल मैं घुमाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, और जो यहाँ की एंट्री होने वाली है बिल्कुल फ्री होने वाली है दोस्तों। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर के नज़ारे। तो चलो 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 दोस्तों, यहाँ आने का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है। तो दोस्तों अंदर आने के बाद गेट नंबर 3 से एंट्री करके आप अपनी गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं, जो कि पार्किंग है बिल्कुल फ्री है, देख सकते हैं आप। दोस्तों अगर आप बस से आना चाहते हैं तो बस से भी आ सकते हैं। यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं चिड़ियाघर का बस स्टैंड है, और मेरे सामने देखिए आप शेरशाह रोड जा रहा है ये, और थोड़ा सा आगे जाएंगे 50 मीटर की दूरी पे तो आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको 3 नंबर गेट दिखेगा, जो कि ध्यानचंद स्टेडियम का है। वहां से आपको एंट्री करनी है और फूड फेस्टिवल को एंजॉय करना है दोस्तों। तो दोस्तों हम फूड फेस्टिवल के मेन एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं, और सामने ही आप देख सकते हैं ये जो फूड फेस्टिवल है ये 10 मार्च से लेकर 12 मार्च तक चलने वाला है, और यहाँ की जो एंट्री होने वाली है बिल्कुल फ्री होने वाली है दोस्तों। आपको बैंड परफॉर्मेंस भी दिखेगी जो कि 6:30 बजे है दोस्तों, तो बाकी आप देख सकते हैं। दोस्तों फूड फेस्टिवल के अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं अंदर का व्यू जो है कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं स्टेज शो चल रहा है, और सामने देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई है, और आप यहाँ पे अगर आते हैं तो आराम से बैठ के स्टेज शो देख सकते हैं। तो दोस्तों हम स्टॉल नंबर 26 पे खड़े हैं, और यहाँ पे राजस्थानी फूड मिलेगा आपको। तो चलते हैं भैया से बात करते हैं। तो भैया जी कैसे हैं? उमा घड़ी साहब। तो उमा घड़ी, तो मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो भैया क्या क्या मिलेगा हमको खाने के लिए यहाँ पे? आपके हमारे यहाँ जोधपुर का स्पेशल लाल मांस। तो अब स्टार्टिंग करिए वहाँ से। ये प्योर देसी घी की मटन कीमा कलेजी। अच्छा, मटन कीमा कलेजी। हाँ जी, प्योर देसी घी का। देसी घी में बनती है। दोस्तों रंगत देख सकते हैं आप, रोगन बिल्कुल तैर रहा है ऊपर, और काफ़ी मसालेदार है। ये प्योर होम स्टाइल कुकिंग है, और प्योर खड़े मसाले राजस्थान के मसालों। ठीक है, तो सर आगे बढ़ेंगे। ये है लाल मुर्ग। लाल मुर्ग जी, ये लाल मुर्ग का मतलब होता है, मुर्ग मतलब चिकन, और ये मथानिया की मिर्च होती है लाल, उसके अंदर बनता है, और प्योर सरसों के तेल में बनता है। तो दोस्तों आप रंगत ही देख के पहचान रहे हो कितना बढ़िया लग रहा होगा ये। और इससे आगे सर ये आता है सफ़ेद मांस। ये तो देसी घी तैर रहा है सर ऊपर। हाँ जी, ये पूरा प्योर देसी घी। हाँ, देसी घी दिख रहा है सर पूरा। और ये मटन है, और हाँ, इसके अंदर काजू की ग्रेवी, दही की ग्रेवी, और मगज के बीज, और बहुत रिच है, इसमें ड्राई फ्रूट भी डले। ये सारा प्रिपेयर आपने किया है? हाँ जी, ये बिल्कुल मैंने और मेरी वाइफ ने किया। अच्छा, ठीक है सर। मैं राजस्थान से हूँ, जोधपुर से। अच्छा, तो वो ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए हमें ही करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे है सर लाल मांस। जी, लाल मांस फेमस है, ये जैसलमेर स्टाइल का है। अच्छा, और इसमें भी ये प्योर मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल में खड़े मसालों के साथ मथानिया मिर्चों में बना हुआ, ये मीडियम स्पाइसी है। तो मीडियम स्पाइसी, लाल मांस मतलब लाल मतलब तीखा नहीं होता, मीडियम स्पाइसी। मीडियम स्पाइसी। और आगे बढ़ेंगे। ये है सर लाल सफ़ेद चिकन। सफ़ेद चिकन जी, ये भी देसी घी में बना हुआ है ना? ये दोनों ग्रेवी देसी, पूरा देसी घी में। ये भी प्योर सेम ग्रेवी में, एक में चिकन एक में मटन। ठीक है, और ये क्या चीज़ है सर? ये कोई ये है सर मारवाड़ी खीर। अच्छा, ये खीर है, केसर मलाई ड्राई फ्रूट मारवाड़ी की खीर है। मारवाड़ मतलब हमारे यहाँ राजस्थान में जोधपुर जिला जो जोन है उसको मारवाड़ कहते हैं जी, वहाँ की ये रबड़ी खीर है। अच्छा, और ये हमारे ये साथ में राइस खाने के लिए मिलेंगे। तो बाकी सर इनकी प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या होने वाला है? मैंने इसमें पूरा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनकी जो रेट लिस्ट है सारी यहाँ पे दी गई है। तो जो स्टार्टिंग है वो 400 से है, 300, 350, 400 और 90 रुपीज़। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से है।
तो एक बार विजिट जरूर करें यहाँ पे। तो हमारा द्वारका सेक्टर 7 में भी रेस्टोरेंट है, ठीक है, मारू राजस्थान के नाम से। तो कहाँ पे एड्रेस बता दो एक बार। मारू राजस्थान सेक्टर 7 द्वारका रामफल चौक वर्धमान मॉल के अंदर, ठीक है, मारू राजस्थान याद है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आ चुके हैं स्टॉल नंबर 18 पे और ये टर्की का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो भैया क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे सर तुर्की कुजीन सर्व कर रहे हैं अभी तो हम। अच्छा जी हाँ, जैसे कि डोनर कबाब शवरमा, लैम शवरमा है हमारे। अच्छा पास जी, एक बार एक करके दिखा देंगे। ये अभी एम्प्टी है, हम अभी फ्रेश बना के सर्व कर रहे हैं। खाली शवरमा है? शवरमा है, चिकन शवरमा है, डोनर कबाब, लैम शवरमा है। अच्छा, और ये क्या है? ये फ्रेश लेमिनेट है। अच्छा, लेमन जूस या नींबू पानी? नींबू पानी, ओके ओके, थैंक यू। तो दोस्तों आ चुके हैं स्टॉल नंबर 29 के आगे और ये सारा यहाँ पे ऑर्गेनिक मिलेगा आपको। तो चलते हैं और बात करते हैं क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे। तो भैया जी कैसे हैं, क्या क्या मिलने वाला आपके पास? हमारे पास टोटल जो किचन में यूज होता है हमारे पास राशन सब सारा मिलेगा, किचन वाला सारा मिलेगा, सब कुछ, दाल चावल मसाला सब कुछ। ठीक है, और प्राइस मतलब नॉर्मल रहेंगे? नॉर्मल नहीं रहते, नॉर्मल से आप लेके चलो 20-30% तक होता है। अच्छा, क्योंकि ऑर्गेनिक है, होता ही कम है। तो दोस्तों सामने आप देख सकते हैं आपको राजस्थान का यहाँ फूड आइटम खाने को मिलेगा। तो देख सकते हैं ये रोलर है, रोलर आइसक्रीम, और ये साइड में देख सकते हैं भैया ये क्या चीज़ है? प्याज कचौड़ी। प्याज कचौड़ी, दोनों प्याज कचौड़ी है? मूंग दाल कचौड़ी। मूंग दाल कचौड़ी, इन दोनों का रेट क्या क्या है? 60 रुपये का है जी। 60 रुपये प्लेट, एक पीस आएगा उसमें? हाँ जी। और ये वाला? ये 60, इसमें भी एक पीस आएगा। और ये क्या है भैया? चोरमा लड्डू। ये क्या रेट है? 60 रुपये का। 60 रुपये के दो पीस। और ये क्या आइटम है? मूंग दाल का हलवा। अच्छा, मूंग दाल का हलवा, इसका क्या रेट है? 80 रुपये प्लेट। 80 रुपये प्लेट, ये महंगा होगा। क्या क्या आइटम मिलेगा आपके पास? क्या क्या आइटम मिलेगा? छोला भटूरा, पाव भाजी, दही भल्ला। अच्छा, और प्राइस क्या होने वाला है इनका सबका? 150 रुपये। 150 रुपये स्टार्टिंग। और ये क्या है भैया? दही भल्ला है। 100 रुपये प्लेट। और क्या है आगे? पाव भाजी है। पाव भाजी का क्या रेट है? 150 रुपये। ठीक। तो दोस्तों सामने आप देख सकते हैं स्टॉल नंबर 37 के आगे आ चुके हैं, पुरानी दिल्ली का जायका मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलेगा यहाँ पे खाने के लिए। तो भैया कैसे हैं? ठीक है सर। क्या क्या मिलेगा खाने के लिए? आपको चिकन बिरयानी, चिकन कौरमा, चिकन नहारी, मटन फ्राई, वो चिकन फ्राई, चिकन चिकन टिक्का, चिकन चंगेरी, चिकन मलाई टिक्का, चिकन अफगानी टिक्का। और रेट क्या होने वाला है इनका? रेट 180। और लास्ट कहाँ तक जाता है? लास्ट 250। और ये क्या है बताना धीरे धीरे करके? मटन टिक्का है। अच्छा, और ये इसके बगल में? ये चिकन फ्राई। चिकन फ्राई है। और इसमें क्या है भैया? चिकन कोरमा। मिला देना एक बार बढ़िया से। दोस्तों रंगत देख सकते हैं कितनी बढ़िया रंगत है इसकी, और रोगन ऊपर तैर रहा है। और भैया इसमें क्या है? चिकन प्लेट। इसका फुल प्लेट का रेट क्या है? फुल प्लेट 180 फुल प्लेट। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं आप भैया ने हमको रेट भी बता दिए सबके। तो थैंक यू भैया। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं आप यहाँ पे 5-स्टार होटल ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रखा है और ये स्टॉल नंबर 27 है। तो दोस्तों सामने आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे तमिलनाडु का भी स्टॉल देखने को मिलेगा, स्टॉल नंबर है 11। तो यहाँ पे आपको साउथ इंडियन फूड खाने को मिलेगा। कबाब लो क्या खाएगा वही है? देख सकते हैं आप दोस्तों, तो दोस्तों सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक स्टेट का स्टॉल लगा हुआ है और हर एक कंट्री का स्टॉल लगा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी बढ़िया कर रखा है, देख सकते हैं लोग आराम से बैठ के अपनी मील इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। और सामने स्टेज शो चल रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। Thank you.
तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो तो कमेंट में आपको जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नई लोकेशन पे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।